हे गाइस नमस्ते, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। इस पहले हम सुबह उठते हैं तो पहले मुंह धो लेते हैं और दिल्ली में ब्रश करना पड़ता है, बट यहाँ दतमन चलता है। दतमन यहाँ का सुबह पक्षी से चालू होता है, क्योंकि न्यू दिल्ली में पक्षी का कोई नज़र ही नहीं आता था उतना, लेकिन गांव में जब भी सुबह होता है तो पक्षी से ही सुबह होता है। शायद आपको कोयल का आवाज आ रहा होगा। गाइस फाइनली मुंह धो लिया हूँ, अब बारी है चाय पीने का। चाय में मेरा होगा लौंग, मरीच, अदरक, काला नमक, शक्कर एंड तुलसी, दालचीनी, यही सब वाला आज मैं चाय पीता हूँ। और कोशिश करूँगा इसी तरह पीता रहूँ, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये हमारे पूर्वज लोग भी पिया करते थे। बट लेकिन आज के ज़माना में सब भूल रहा है कि ये चाय पीना चाहिए, लेकिन आज सब सिर्फ लेमन टी, पता नहीं कौन सा टी, कॉफ़ी, इसी तरह सब पी रहा है, जो कि उसमें काफ़ी ढेर सारा साइड इफेक्ट होता है, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं देता है। बाद में यही साइड इफेक्ट बाद में बड़ा बीमारी बन जाता है, शुगर हो गया या कुछ भी हो गया, तो बाद में दिक्कत तो हो ही जाता है, लेकिन ये पीना चाहिए। हम लोगों का पूर्वज यही पीते थे। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ, चाय पीऊँगा। तो गाइस धूप में बैठे हैं, विटामिन डी भी ले रहे हैं और साथ साथ चाय भी पी रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर काफी मन लग रहा है जब से मैं दिल्ली से आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्वस्थ वातावरण है एंड यहाँ पर हरियाली बहुत ही अच्छा है, दिखने में भी अच्छा लगता है और यहाँ पर सभी चीज़ का ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन हर पेड़ पौधे का मिलना चाहिए व्यक्ति के लिए। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ का ऑक्सीजन मिल सकता है। तो पहला ये देखो, बेल हो गया, उसके बाद कटहल हो गया, उसके बाद एक पाकर का गाछ है, उसके बाद एक नीम का है भाई लगेगा, उसके बाद उधर जामुन हो गया, बाद देखो हरियाली कितना अच्छा लग रहा है, और इधर जो अमदूर लगाया था, ये है, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है हार, यानी कि हार सिंगार का पौधा है, और ये केला हमने ही लगाया था बट केला खा नहीं पाए। तो यहाँ पर चार अनार था, लेकिन मेरे अनार को उखाड़ कर मेरे एक चाचा का लड़का लगा लिया, बाकी बात दूसरा कोई भी लगा लिया। एक यहाँ पर लगाया हुआ है, ये भी मेरा ही था। भूख बहुत जोर से लगा है, अभी तक खाना नहीं बन पाया है, तो जल्दी से बन जाएगा और मैं जल्दी से खाना खा लूँगा। और मेरा जो भांजा है कबीर अभी रो रहा था, क्या हुआ बोल। हेलो गाइज नमस्ते, बोलो, नहीं बोलोगे बोल दे, बोल। मेरा एक चाचा का लड़का, सब्जी इधर बन रहा है और इधर अभी तक आटा ही सन रहा है। गाइज भूख बहुत जोर से लगा है। चावल भी बनाए, इसमें क्या है, तो दाल, सब्जी और रोटी बन रहा है, गेहूं का रोटी। तो फाइनली मेरा खाना आ गया है, अब खाना खा लेता हूँ। बहुत कमजोरी सा लग रहा था खाना बगैर।
आ गया मस्त रोटी, गरम गरम सब्जी और दाल। फाइनली हम खाना खा के इसमें कंटिन्यू स्केच पर लग जाएंगे। सब्जी रोटी और दाल खाने में मस्त लग रहा है भाई। We'll be right back.
फाइनली साउथ के एक्टर महेश बाबू का फुल कंप्लीट ड्राइंग यानी कि स्केच हो गया है। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, जो भी मेरे चैनल पर हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिलहाल अभी हाँ, ड्राइंग करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, 9:10 हो गया है एंड अभी सोनी खाना बना रही है और मैं अभी गरम गरम रोटी खाऊंगा। फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ कि सोनी क्या कर रही है। ये रहा, खाना बना रही है गर्मा गर्म रोटी एंड मेरे लिए सब्जी। सब्जी दिखाओ क्या है, जल्दी आज क्या है सब्जी। आलू और बैंगन की सब्जी है, मस्त सब्जी है, इसमें थोड़ा सोयाबीन होता तो और मस्त मज़ा आ जाता। रोटी गर्म गर्म बन रहा है और मैं इधर जा रहा हूँ खाने के लिए। तो गाइस खाना वाना कंप्लीट हो गया है तो अब हम सोने के लिए रेडी हैं एंड सोने के लिए अब जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये मिट्टी है और मेरा ये बिस्तर है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। तो मैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।